इसके पास अब ऐसा कुछ नहीं है 3 के ये आगे पास करें तो ये अपना पूरा ही 10 अमाउंट रहेगा और 10 में से फिर हम 9 लेस करेंगे, ठीक है। ये आप सबको स्टेप समझ में आ रहा है ना, 1 पास करते जाएंगे क्योंकि सबको नीट थी, यहाँ पर सब नील थे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या हो गया है, 10, और आगे पास भी नहीं करना क्योंकि आगे कोई अमाउंट ही नहीं है, तो 10 में से हमें 9 को ही लेस करना है। तो 10 में से 9 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा, 1। गुड। के बाद ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 9। 9 में से 5 को लेस करें। ये 10, ये बात याद है ना आपको, ये 10 था बट 10 अब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने 1 अपना पास कर दिया। इस स्टेप को जरूर याद रखना है सबने। अच्छा, 9 में से 5 को लेस करें, 9 में से जब हम 5 लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। गुड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 9। 9 में से 1 लेस कर लें, 9 में से 1 लेस करें तो कितना कितना इसके पास रह जाएगा अमाउंट, 8। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 9, अगेन 9। 9 में से 2 लेस करें, 9 में से 2 जब लेस करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा इसके पास, 7। उसके बाद 5। 5 में से 3 लेस करें, इसके पास क्या रह जाएगा, 2। गुड। सबको लेस करना समझ में आ रहा है ना, लेस तो वैसे भी बहुत आसान होता है। अच्छा, एक बात और, आपने स्टार्ट पर अपनी क्लासेस में सीखा था ना, जब 100 से अबव हो जाता है यानी 1000 पे जब आ जाते हैं, 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर होते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं। ये बात आपको मैम ने सिखाई थी ना, तो कॉमा कहाँ लगता है, हमेशा 1000 के बाद लगता है। देखिए, ये यूनिट, ये 10, ये 100 के बाद क्या है, 1000 आ रहा है, तो हम 1000 के बाद क्या मेंशन करेंगे, कॉमा। ये बात आपको ऊपर भी नजर आ रही होगी, आइए ना सबको, ठीक है। हमारा आंसर क्या रह गया इसके पास, मैन की क्वांटिटी कितनी निकल के आई, 27,841। तो ये आंसर को उठाकर हम कहाँ राइट करेंगे, जहाँ हमें स्टेटमेंट राइट की। हमारा आंसर क्या था, 27,841, यानी मैन की क्वांटिटी कितनी निकल के आई। तो अब हम आंसर को स्टेटमेंट के नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि आगे तो स्पेस किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। ओके, मैन की क्वांटिटी मैंने राइट कर दी है, 27,841 बिल्कुल इक्वल के नीचे आपने राइट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे आपने शो करना है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, फिर सेकंड स्टेप पे आपने आंसर को राइट करना है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सबने समझ कर ही करना है, ऐसी मैम का देखकर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके, आइए अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। जी डायरी क्या है आपकी, राइट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 इन कॉपी, एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन 1, 2 सबका मेंशन होना चाहिए, ठीक है, सबका होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन 3 करेंगे जो आज आपको मैम ने करवाया है, ठीक है। आपको पता है ना, हालात कितने खराब चल रहे हैं, तो सबने दुआ भी करनी कि हालात बेहतर हो जाए जल्दी से, और जल्दी से आप दोबारा स्कूल आ जाए, फिर हम मिलकर दोबारा पढ़ाई पढ़ेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।